नादान है वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं, कौन कितना पानी में है सबकी खबर है मुझे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा। और इस ट्वीट के बाद से मानो पूरे बिहार में तहलका मच गया हो, जिसके बाद से तेज प्रताप को लेकर के तमाम खबरें चलने लगी कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच से फिर से फूट जारी है, जिसके बाद से सवाल खड़े होने लगे कि आखिर तेज प्रताप और तेजस्वी में किस बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है। ये बात जग जाहिर है कि तेज तेजस्वी में कभी नहीं पटता है। और हमारे विश्लेषण के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इससे ट्विटर पे ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए कि चुनाव से ठीक पहले भाई भाई में बिखराव फिर से चालू हो गया। देखिए, यह मूल रूप से यह टकराव है पार्टी में अपनी हिस्सेदारी लेने का। आपसे एक तथ्य की गलती हो गई, छात्र राजद के संरक्षक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, अध्यक्ष नहीं थे। लेकिन मूल मसला है कि पार्टी में हमारी हिस्सेदारी क्या होगी। तेज प्रताप चाहते हैं कि तेजस्वी के मुकाबले हमारी क्या हिस्सेदारी होगी। एक तो पहले ही उनसे नेतृत्व छीन लिया गया, उनको लगता है कि बड़े बेटे होने के नाते मुझे नेतृत्व का हक मिलना चाहिए था, वो हक हमारी उनसे हो गई, उनका यह सोचना है। और उसके बाद अब न पार्टी में कोई वजूद रहा है, न उनका कुछ चल रहा है, इस तरह से वो उनकी बेचैनी सामने आ रही है। अब जैसे राजद में 19 सीटें राजद में बंटनी थी, तो पार्टी के अंदर वो चाहते थे कि 19 सीटों में से कम 25% सीट उनके हिस्से में आए, 4 से 5 सीट पर उम्मीदवार वह तय करें कि किसे उम्मीदवारी मिले। लेकिन पार्टी में यह उनको यह हिस्सा देने के लिए कोई तैयार नहीं था। यह बार बार आप सुन रहे होंगे, पहले भी उन्होंने कहा था कि जो राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, उनके बारे में जब चर्चा हुई कि पाटलिपुत्रा सीट से भाई वीरेंद्र को उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा था भाई वीरेंद्र कौन है, उसके क्या औकात है, आपने यह सुन रखा होगा। इसी तरह से वो कई बार दावा जता चुके हैं कि उनकी सुनी जाए, टिकट में उनके अनुसार तय किया जाए टिकट। और वह 4 से 5 सीट के लिए दावा जता रहे थे, लगातार वो बातें कर रहे थे। आखिर में वह आए कि जहानाबाद और शिवहर कम से कम 2 सीट मुझे दी जाए और मेरे लोगों को वहाँ से टिकट दिया जाए। इसमें से जहानाबाद से वो चंद्र प्रकाश नाम के व्यक्ति के लिए चाहते थे जो यादव समुदाय से आते हैं, और शिवहर में वो अंगेश सिंह अंगराज जो राजपूत समुदाय से आते हैं उनके लिए वो टिकट चाहते थे। अब जब पार्टी के अंदर कोई बात उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने इसको सार्वजनिक भी कर दिया, चाहे वो अपने यूट्यूब चैनल एक उनका चल रहा है LR न्यूज़, उसके माध्यम से हो या विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए उन्होंने इसको सार्वजनिक कर दिया कि यह 2 सीट दिया जाए। और यह उन्होंने बाकायदा बोला भी मीडिया के सामने भी, और मैं अपने भाई से कहूँगा कि ये 2 सीट इन दोनों उम्मीदवारों को दी जाए। लेकिन पार्टी ने उनकी इस बात को भी खारिज कर दिया गया। सिर्फ एक बात उनकी चली कि जो वो चाहते थे कि मीसा को टिकट मिले पाटलिपुत्रा से, तो वह सीट मीसा को दे दी गई। इसमें सिर्फ तेज प्रताप की भूमिका नहीं रही, उसमें यह भी रही कि मीसा को भी नाराज़ नहीं किया जाए, अगर ये दोनों भाई बहन मिलेंगे तो फिर दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा बवाल मचेगा। मीसा साहब पॉलिटिकल ब्रेन की महिला हैं, उनसे दिक्कत हो सकती है, इसलिए मीसा को पाटलिपुत्रा टिकट दे दिया गया। अब होल्ड पर रखा गया है शिवहर सीट, अंगेश सिंह अंगराज को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, या रमा सिंह को दिया जाए, या किसी एक दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार की भी चर्चा है, ये वहाँ चल रही है चर्चा, मंथन चल रहा है। अगर नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कि फिर कोई बवाल मचाएं तेज प्रताप की योग्यता पर सवाल आखिर कौन उठाता है। देखिए, तेज प्रताप की योग्यता पर सवाल उनके घर में ही लोग उठाते हैं। पहले ही शुरू से ही तेजस्वी को लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, शुरू से ही तेजस्वी को ही कहा गया कि वही उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, बेटे को ही उत्तराधिकारी माना गया, इससे बहन नाराज थी। मीसा को लगता था कि हम ही परिवार में एक सबसे पॉलिटिकल नज़रिए के व्यक्ति हैं, हमको ही मिलना चाहिए था, हमारे परिवार में कोई सदस्य अगर इस तरह का पॉलिटिकल ब्रेन रखता है तो मैं रखती हूँ, तो वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे। लेकिन लालू नहीं चाहते थे कि उनके परिवार से निकल कर मीसा के ससुराल में चला जाए उत्तराधिकार पार्टी का उत्तराधिकार।
तो इसलिए वो अपने बेटे को ही देना चाहते थे। तो बेटा में उनको लगा कि तेजस्वी में ही वो काबिलियत है कि संभाल सकता है। तेज प्रताप शुरू से ही थोड़ा सा चंचल हैं, थोड़ा सा उनके दूसरे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उदंड हैं, थोड़ा सा अनुशासन नहीं मानते हैं, असमय कुछ ऐसी बात कह देते हैं, अनुचित बातें कर देते हैं जो तो लोगों को परेशानी हो जाती है। नहीं, ये जो पूरा वाक्य हुआ इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा जनता पर कि जब घर में ही सब कुछ ठीक नहीं है। कल कमेंट में देख रहा था तो लोग कमेंट में समझा रहे थे जो उनके समर्थक है कि आप भाई भाई मत लड़िए, तो ये बात बाहर पता है तो ये इफ़ेक्ट कितना करेगा पार्टी में। आमतौर पर एक सहमति पार्टी में जो आम समर्थक हैं उसमें सहमति बन गई है कि लालू के उत्तराधिकारी तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। पार्टी में एक आम सहमति बन गई है कि अब उत्तराधिकारी वही हैं। अब यह जो आम सहमति बन गई है यह तेज प्रताप के लिए बेचैनी पैदा करने वाली है। और जिस तरह से फिर उनकी शादी हुई, शादी करके उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई, उनको घर में शादी के जरिए मान सम्मान देकर के जिस तरह से संतुष्ट करने की कोशिश की गई, चुप करने की कोशिश की गई कि वो कोई उत्तराधिकार का झंझट न खड़ा करे, तो वो सफल नहीं हुआ क्योंकि तेज प्रताप की भी नज़र उसी नंबर एक कुर्सी पर है जिस पर जिसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी आजकल तेजस्वी बन गए हैं। अब यह झंझट तो चलेगा ही, और ये हर जो पारिवारिक जमात है, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पारिवारिक पार्टी है, जहाँ भी जिसमें भी कोई एक परिवार का वर्चस्व है वहाँ तो यही हो रहा है। चाहे आप करुणानिधि के परिवार में चले जाइए, चाहे आप बादल परिवार में जाइए, चाहे आप भजनलाल परिवार में जाइए, चाहे बंसीलाल परिवार में जाइए, या आप चौटाला परिवार में जाइए, चाहे आप हाल फिलहाल में आपने देखा हुआ समाजवादी पार्टी के परिवार में, मुख्य परिवार में क्या हुआ था, ये सब परिवारों में, देश के जितने भी राजनीतिक परिवार हैं, चाहे ठाकरे परिवार में हुआ, यहाँ तक कि गांधी परिवार में भी हुआ था। जब संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी तो मेनका गांधी ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। तो हर परिवारों, तमाम राजनीतिक परिवारों में यह विवाद हुआ है। अब बीजेपी में भी कहिएगा तो बीजेपी में भी प्रमोद महाजन के परिवार में हुआ, प्रमोद महाजन के अपने भाई ने उनकी हत्या कर दी थी, आपको यह जानकारी होगी। तो इस तरह का जहाँ भी राजनीतिक परिवार है, यहाँ तक कि माधवराव सिंधिया और माधवराव सिंधिया की माँ के बीच में टकराव था, तो तमाम पार्टियों में, माधवराव सिंधिया की माँ बीजेपी में थी, जनसंघ में थी, माधवराव सिंधिया कांग्रेस में राजनीति करते रहे थे, तो ये तमाम जो भी राजनीतिक परिवार हैं उसमें टकराव फूट कितना डैमेज करेगी पार्टी को आने वाले चुनाव में, ये आखिरी सवाल आप देखिए। फूट डैमेज मनोबल गिराएगी, उपहास उड़ाने का विपक्षियों को मौका देगी, पार्टी का मजाक बनेगा, यह हो सकता है। देखिए उनका जो एक आधार वर्ग है उसमें बहुत उसका असर नहीं होने वाला है। हाँ, ये है कि जो एक परसेप्शन है आपके बारे में, एक छवि बदलने की जो राजद की कोशिश है, उसको झटका लगेगा, और वो झटका लगेगा तो आप फिर अपने जो न्यूक्लियर वोट है जो MY समीकरण के बीच में झूलते रहने की स्थिति बन सकती है। ये हो सकता है कि दूसरे वोट जुड़ेंगे नहीं, आप में आपसी कलह होगी, तो कोई दूसरा वोट, कोई दूसरा समर्थक वर्ग आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो ये तमाम जानकारी तेज प्रताप के ट्वीट को लेकर के और तेज प्रताप के ऐसे ट्वीट 19 के लोकसभा चुनाव में कितना असर डाल सकते हैं, ये तमाम जानकारी हमने आपको दी। खबर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।